इंडियन न्यूज से आए, सर्वे ये कर रहे हैं कि मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में बलाला साहब कैसा काम करे, क्या है आपसे? बलाला साहब अच्छा काम करे और हमारे लीडर रहे और रहेंगे, अगली आने वाले चुनौती में उन्हें जीतेंगे यकीनन बोलेंगे, इतना तो। आप लोग कुछ शिकायत बलाला साहब से? कुछ भी शिकायत नहीं है हमको, बलाला साहब के नेतागिरी से हम बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? वेणुगोपाल। वेणुगोपाल साहब पूरा पानी का बंदा का हर चीज काम, हर चीज का काम बहुत अच्छा है उनका। बलाला साहब का काम बहुत अच्छा है, कुछ भी होना है तो या महल्ले में आके उन्होंने पर्सनली देख के जाते, उन्होंने नहीं आए तो भी उनके आदमी कोई तो भी आते देख के जाते। कोई शिकायत नहीं बोला था? कोई शिकायत आने के कुछ चांसेस उनके कुछ उन अगली चुनौती में आने वाले चुनौती उन्होंने ही जीतते, बलाला साहब भी जीतते। हेलो नमस्ते आप सबको, मेरा नाम है शिवानंद और मैं रहता हूँ उस्मानपुरा चरड में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब बलाला साहब आते रहेंगे हमारे रोड़ा देख सकते हैं आप डेवलप हुए और हमारे को बहुत तरक्की हो रही, कौन सी चीज़ की भी परेशानी नहीं हो रही। और मैं चाह रहा हूँ कि फिर बलाला साहब ही आए अपने रोल सिटी को और डेवलप कर रहे हैं उन्होंने, मैं चाहता हूँ कि और आगे भी उन्होंने रहे और ऐसे ही डेवलप करते रहे और सब गरीबों को मदद कर दे उन्होंने, सब गरीबों को मदद कर दे और किसका भी हेल्प हो तो जब का जब भी आगे कर देते सब चीज़ आगे सेटलमेंट कर देते बलाला साहब। उन्हें बहुत अच्छे आदमी है और कभी भी उनसे मिलना है तो भी उन्हें मिल लेते सबके आके। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महल्ले में कुछ तकलीफ हुआ तो आके दे बलाला साहब देख के जाते, अब उन्हें उनका तो नाम है यहाँ महल्ले में, बलाला साहब बोले तो सब अच्छा काम करते आते, कुछ हमारे तकलीफ हुआ तो भी महल्ले वाले गए तो भी आके देख के जाते। कांग्रेस के नए अकबर बोल के आए साहब? हाँ नया साहब, अकबर साहब बोल के शेख अकबर कांग्रेस से आ रहे हैं, उनसे बलाला साहब अच्छे हैं और अकबर साहब अच्छे हैं? नया अकबर साहब तो हमका महल्ले में बात नहीं, अब ये बलाना कैसे है? अकबर साहब को तो अभी तक नहीं सुने हमने, बलाना कैसे है महल्ले में तो नाम? कोई शिकायत नहीं, कोई सब अच्छे हाँ नहीं अच्छा सब अच्छा, लाइट पानी पूरा अच्छा चल रहा, अच्छा चल रहा। जरा ये सामने का तो अभी जरा करा हो ना बोला ना, ये कुंडी बना दिए वो तो उसका है मस्जिद का है कहते, जरा साहब को बोला ये वोटरों के बाद बोल के करा लेना, अगर उन्हें आगे आ गए तो हमारे महल्ले को करना बोल लेना। मेरा नाम शफीद्दीन खान है, आजमपुर का रहने वाला हूँ। अहमद बलाला साहब MLA 3 times जीते, बहुत अच्छा रहते हैं, वो अच्छे के डेवलपमेंट काम करे आजमपुर में, पब्लिक के नुमाइंदा करते रहते हैं, बहुत अच्छे डायनामिक MLA साहब है, अच्छी मेजॉरिटी से जीतना बोल के हम दुआ करें अल्लाह ताला से, बस यही हमारी दुआ है, इंशाल्लाह किसी सूरत में बलाला साहब आ जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अली, मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ। अब क्या बोले आपके पसंदीदा लीडर कौन है? आपके MLA जो है हमारे बलाला साहब, हमारे पसंदीदा लीडर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब है। कैसी कारकर्दगी है आपकी? बहुत अच्छी कारकर्दगी है आजमपुरे के लिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट करे और क्या बोला तो काफ़ी अच्छे लीडर है। आने वाले इंतजाम में हर एक घर से कामयाब होंगे आप, हम लोग सारे हमारे घर के अफरा सब मजलिस को वोट डालते हैं, बलाला साहब को वोट डालते हैं। बलाला साहब कैसे काम करते हैं सर? बेहतरीन काम करे, मलकपेट पूरा जो है ना जगा दिए, आने वाले ही छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ही बात बोला आपको, कोविड में कैसा काम करे बलाला? हैं कोविड में भी काम अच्छा कर सुने आप? हाँ आते आते आते, ऐसा कुछ भी नहीं। बलाला साहब MLA साहब हैं हमारे, बहुत खुशी की बात है, हम लोगों को किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने दे रहे, और काउंसलर साहब भी हमारे को बहुत साथ दे रहे थे, किसी चीज़ का अगर तकलीफ है तो अगर हम गए तो अच्छा रिस्पांस देते, बहुत ही हम बहुत खुश है।
हमारे को इतना इंटरेस्ट नहीं सब हम है हमारा ये लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है हम लोगों को हमारे MLA साहब से हमारे काउंसलर साहब से एलोन से अपने को ये पार्ट हमारे मेन पार्टी से हम ये रखते अब अदर पार्टी से हमारे कुछ करने का नहीं है जी ना बिल्कुल तकलीफ नहीं ना पानी शानदार पानी है हर चीज़ का किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है हमारे को इतने सालों से यहाँ रहे बहुत ही कभी भी गए तो हम लोगों को अच्छा इंटर मिल के आते भी हम अगर कुछ तकलीफ है तो भी जाके मिल के आते है वह हम कभी हमारा हर बात सुनते रहता अच्छी बात करते अच्छे इज्जत देते मेरे लिए कुछ भी तकलीफ नहीं है ठीक हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद भाई बलाला साहब के लिए है ये जो यहाँ जो आज़मपुर है का मैं मुकामी हूँ यहाँ पर मेरा बिजनेस है मुकाम घर है मेरा यहाँ पर बहुत सारे सहूलतें बलाला साहब की तरफ से हुए हैं और हमारे यहाँ जो ब्रिज की तकलीफ़ थी वो ब्रिज की तकलीफ़ दूर हुई जो रमज़ान में हर हमेशा पूरी ट्रैफिक का जाम हो जाती थी सारे लोगों को क्या है सो तकलीफ़ होती थी इफ्तार के टाइम पे जाने पर और ये चमन छोड़ के जो ट्रैफिक का जो परेशानी थी जो कई एक्सीडेंट होते थे उसको छोटे करने का भी प्लानिंग चल रही है पूरा तोड़ा दिए झाड़ हुए कटा दिए हैं अब शायद मेरे ख्याल से ये इलेक्शन के बाद ये सब काम शुरू होएगा इलेक्शन की गड़बड़ में सब काम रुका हुआ है और बलाला साहब हमारे अबरार साहब का बहुत टाउन रहा ये यहाँ पर के आज़मपुरे में जो डेवलपमेंट करे हैं वो शायद ही कहीं नहीं हुआ कहीं भी जितने भी लोग हैं हर एक को और हमारे बलाला साहब जो अभी भी है किसी की भी तकलीफ हो करीब आ जाते हैं आके जिसकी जो मदद होना है वो मदद कर देते हैं जैसा किसी की कोई परेशानी रहे कभी पानी का प्रॉब्लम रहा कभी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया चलो भाई जाके जब भी कैसे उसको सॉल्व कर देते हैं जिस तरीके से उनसे जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें तो अभी तक पूरी उतरी हैं अभी आने वाले वक्त में भी आप अपना ताउन करके उन्हें आगे बढ़ाइए कि उन्होंने खुद से अपने को इतना डेवलप करें आज़मपुरे को नहीं तो पूरे छोटे छोटे घर आते उतनी हर चीज़ से बल्दिया से हो लाइट से हो हर चीज़ की सहूलतें दिए हैं और रोड का ट्रैफिक कंट्रोल है हर तरीके से राइट है कहीं भी परेशानी नहीं है।